दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे फूलों की सैर कन्नौज में। और मैं दलिया बना रही हूँ। आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम किया है क्योंकि आज है संडे, बच्चों की है छुट्टी। और अचानक से किसी का फ़ोन आया तो वो आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं खाना जी को भोग लगाने के लिए दूध रख दिया है और इसमें मिश्री डाल दी है, मिश्री या चीनी जो भी है। तो बस पूजा हो चुकी है हमारी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे फूलों के शहर कन्नौज में। और अभी हम हो चुकी है हमारी पूजा। और उसके बाद में मैंने कान्हा जी को दूध आ गया था तो दूध बाउल में रख दिया है और उसमें डाल दी है मिश्री। तो कान्हा जी का सुबह दीदी भोग लगाती हैं और फिर कुछ मीठा बना लेती हैं, जैसे खीर है, हलवा है, या मतलब खाने में प्याज आज की कुछ भी नहीं बना तो खाने का जैसे पूरी सब्जी है उसका भोग लगा दिया। तो कान्हा जी का मतलब इतना करती हैं दीदी अपना। मैं तो पूजा करती हूँ और जैसे साथ में मतलब अगर नाश्ता बनाना उनका भोग लगाना होता है वो बना देती हूँ। तो मेरी पूजा हो चुकी है, कान्हा जी को दूध पिला दिया है, भोग लगा दिया है मिश्री का। और अब देखिए नाश्ते में क्या बनता है, तो वो भी कान्हा जी को खिलाऊंगी। तो बस यही सब चल रहा है। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताना। और आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है तो इसके लिए पे मलाई रखी थी, 5-6 दिन हो गए तो मलाई तो चला लेती हूँ क्योंकि घी भी ख़त्म हो चुका है। बच्चे बगैर रोटी पे घी वगैरह नहीं लगाओ ना तो बच्चे अच्छे अच्छे करने लगते हैं। तो और मैं डिब्बे वाला घी जो बाहर का आता है वो बच्चों को खिलाती नहीं हूँ। और अभी दूध वगैरह कम हो गया है तो ज़्यादा मलाई बस बहुत थोड़ी सी निकलती है। और मेरी चाय है ना एकदम कड़क पत्ती वाली चाय हो जाती है। मेरी चाय ना खोल खोल के इतनी कड़क हो गई है, बहुत कड़क एकदम पत्ती वाली चाय बन गई। अम्मी मेरी चला रही है मलाई। तो बस ऐसे ही अपनी को दे दी थी, उसका मन कर रहा था वो मलाई चलाने लगी। और उसके बाद में मैं कद्दू बनाऊंगी। तो अपनी ने कद्दू देखा वैसी टें टें एकदम करने लगी। मैं नहीं खाने वाली कद्दू, ये तो थोड़ा बहुत खा लेती है। और देव तो बिल्कुल इतना मुँह बुरा मुँह बना के चले गए। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए मैं कुछ और बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं मलाई निकाल लेती हूँ और उसके बाद में मेरी कड़क कड़क वाली चाय पीऊँगी। और फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में घी गरम हो रहा है और देव आ गए हैं। देव थोड़ा चिड़चिड़ा से रहे हैं क्योंकि बुखार आ रहा है तो चें 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 बच्चे लगे ही रहते हैं। और फिर भी बेचारे बच्चे हैं फिर भी खेलते रहते हैं। और मैं सबको दलिया दे देती हूँ। और अपनी दूध वाला दलिया बिल्कुल नहीं पसंद करती, फिर भी इसको ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खिला दिया है। और आई फटाफट से मैं टमाटर काट ले रही हूँ और मैंने कद्दू को थोड़ा फ्राई कर ले रही हूँ। और कद्दू फ्राई करके बनाओ ना बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने फ्राई करने के बाद में पहले फ्राई कर लूँ फिर बाद का प्रोसेस बताऊँगी। और यहाँ पे मैं तब तक आलू भी फ्राई कर लेती हूँ। बस थोड़ी थोड़ी दो सब्जी बनाऊँगी ना तो बड़ा जरा जरा सी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे एक साथ में एक पंथ दो काज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कद्दू भी फ्राई हो रहा है और साथ में आलू भी फ्राई होते जा रहे हैं। तो भाई साथ में लंच का टाइम भी हो गया है। सो दलिया खा लिया है सबने, थोड़ा थोड़ा दलिया और चाय के साथ। और कद्दू फ्राई हो चुका है तो इसमें मैं डालूँगी धनिया, नून 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 नहीं नमक मिर्च और थोड़ा सा सब्जी मसाला डालूँगी, आमचूर पाउडर डालूँगी, चीनी डालूँगी, एकदम से खट्टा मीठा वाला कद्दू बनकर हो जाएगा रेडी। तो हम तीन लोग खाएंगे, बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चे खा लेते हैं अपनी थोड़ा बहुत खाएगी। तो मैंने इसमें डाल दी है 2 चम्मच चीनी
पूरी भर के नहीं डाली है क्योंकि कद्दू भी थोड़ा सा ही है, और आमचूर पाउडर डाल दिया है। तो ये खट्टा मीठा, और आलू भी इसी वक्त फ्राई हो चुके हैं, इसी वक्त फ्राई हो चुके हैं, मतलब अभी फ्राई हो चुके हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है प्याज, प्याज फ्राई हो चुका है तो मैंने इसमें डाल दिया है नून मिर्च धनिया और सब्जी मसाला। गरम मसाला नहीं डालूंगी, गरम मसाला मैं कम ही यूज करती हूँ। और सब्जी मसाला और हल्दी, यही सब मसाले पड़ते हैं। तो ग्रेवी हमारी बन चुकी है, देखिए एकदम से टमाटर बन चुका है अच्छे से। और यहाँ पे मैंने नमकीन निकाल के रखी है और बनाई है चाय। चाय मैं दोबारा पीऊँगी क्योंकि ये आ गए हैं, तो इनको भैया को नमकीन के साथ चाय दे दी है। और कोई आने वाला है तो मैं फटाफट से कर रही हूँ काम, फटाफट से, क्योंकि भैया अपना पूजा करते हैं तभी कुछ भी खाते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, क्योंकि गुरुए दिन शुरू हो गए ना पितरों वाले, तो वो पूजा करते हैं पानी दे के फिर ही वो नाश्ता वगैरह करते हैं, फ्री हो जाते हैं तब, वैसे चाय पी लेते हैं। और सब्जी मेरी तैयार है आलू टमाटर की ग्रेवी वाली, फटाफट से किचन साफ़ कर देती हूँ क्योंकि वो लोग आने वाले होंगे, बच्चे मेरे बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। और मैं किचन में सफाई कर देती हूँ, एक बार मैं बर्तन धुल चुकी हूँ थोड़े बहुत थे, और ये कढ़ाई खाली हो चुकी हैं दोनों, और मैं ये भी धुल देती हूँ साथ में, और रोटियां सेक दे रही हूँ। और गर्मी है पता नहीं इस बार अभी भी हो रही है, दो सावन थे फिर भी। और रोटी मेरी देखो एकदम फुली फुली बन रही है, और आ चुके हैं सब लोग। तो बड़े जोर शोर से इंतजार हो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। थोड़ी देर हम लोगों ने बातें की, फिर हम मैं बना रही है चाय। और हमारे यहाँ अब मॉडलिंग होने लगी है, साथ में मैंने चाय रख दी। ये देखो एक मॉडल आ गई, तीन तीन मॉडल है हमारे पास, देखना। ये देखो वॉक कर रही हैं, कुछ फोटो शूट भी हुआ था। और मॉडलिंग ये देखो, ये चंपू लाल आ गया, मेरी नई चुन्नी को क्या बना लिया देखो, बागी बागी। और ये देखो दोनों दोनों देव और इसको सतानी करने में, और ये आ गई। और ये देखो, और चाय नाश्ता लग चुका है, आप लोग भी आ जाइएगा। इसी के साथ में वीडियो का एंड भी करूँगी। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहे। गेट बंद कर दिया है मैंने क्योंकि बाहर सब लोग पेड़ के पास बैठे रहते हैं, मैंने कहा सब लोग पीछे हो। मैं भी अंजलि दीदी से हंस हंस के पता नहीं बातें कर रही थी, भैया भी बैठे हुए हैं, तो अंजलि मतलब वैसे तो रिश्ते मेरे रिश्ते में फूफा लगते हैं भैया, और गाँव के रिश्ते में देवर लगते हैं, और इनसे भी पर्दा नहीं करती है, गांव के रिश्ते में जेठ लगते हैं फिर भी पर्दा नहीं करती है, कहते फूफा कहने का यही तो मजा है, पर्दा नहीं करनी पड़ती है।